हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट की डिमांड आ रही थी मेरे पास। व्हाट्सएप में कैंडिडेट है अनमोल, जो कि लुधियाना से बिलोंग करता है। भाई ने मेरे पास कुछ साइंस के क्वेश्चन भेजे हैं। भाई का कहना है कि आने वाले दिन में उससे उसके दोस्त का पेपर है मई में, उसकी तैयारी करवा दीजिए आप। किसकी? साइंस की। तो दोस्तों, साइंस का उसका पेपर है जी, ट्रेड्समैन से बिलोंग करता था। भाई ने क्वेश्चन भेजे हैं। क्वेश्चन देखिए आप, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने खोजा, ऐसा उसका कहना था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? न्यूटन। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन आया हमारे पास, एनोड पर होने वाली रासायनिक क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका ऑक्सीकरण बोला जाता है। ओके, इसी प्रकार से एनोड और आपका कैथोड का नॉलेज आपको होना चाहिए। इन पे माइनस प्लस चार्ज होता है, ये पूछ लेता है कभी। और गुरुत्वाकर्षण के आपको तीनों नियम याद होने चाहिए। न्यूटन के फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड लॉ क्या है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, बल वाला नियम, ये सारे चीज पूछ लेगा आपसे। अभी बोल रहा हूँ, जिनका पेपर मई में आने वाला है, 100% आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपकी साइंस पूरी की पूरी कवर करा दूंगा, उससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है क्या, हरी रोशनी में रखा लाल रिबन कैसा दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या? काला। जी हाँ दोस्तों, हरी रोशनी में रखा लाल रिबन काला दिखाई देगा। अब दोस्तों, एक और क्वेश्चन आया है क्या, क्लोरीन का संकेत क्या है? हालांकि क्वेश्चन बेहद ईजी है, Cl होगा, बट उसका कहना है वहां पर डबल ऑप्शन में Cl Cl था। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से या तो वहां पर गलत प्रिंट हो गया होगा, या फिर हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने कैपिटल सी और कैपिटल एल दिया हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका यह रॉन्ग हो जाएगा। आपका राइट होगा क्या? स्मॉल सी एंड स्मॉल एल। ओके, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आया है, पांचवा क्या, किस ग्रुप का सर्वग्राही कहा जाता है? किस ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? ऐसा भाई का हमारे पास क्या व्हाट्सएप पे भाई ने भेजा है, ऐसा क्वेश्चन था। तो दोस्तों, सर्वग्राही का मतलब होता है कि सबसे ले लेना क्या? ब्लड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, दो चार प्रकार के ब्लड होते हैं। ग्रुप ए एक होता है आपका, बी एक होता है क्या, ए बी, और एक होता है ओ। ए बी और ओ, जी हो गए चार प्रकार के आपके ब्लड ग्रुप। अब दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ पर जो ए बी होता है, ये होता है सर्वग्राही, मतलब हर किसी व्यक्ति का ब्लड ले सकता है। अब आपका जो ओ होता है, यह होता है क्या? सर्वदाता, मतलब कि यह हर किसी को ब्लड दे सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बट ले किसका सकता है? ओनली ए का। जी दोस्तों, आपको यदि पूछे कि ओ किसका ब्लड ले सकता है, तो ओनली ओ का ही ले सकता है, बाकी किसी का नहीं। ओके, यहाँ पर जिसकी कंफ्यूजन है, बट दे सबको सकता है, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, और यहाँ पर जो ए बी है, यह सबका ले सकता है। ओके, इसलिए इसको सर्वग्राही बोलते हैं, और ओ को बोलते हैं क्या? सर्वदाता। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर मैंने पांच क्वेश्चन बता दिए हैं, जो कि भाई आकाश ने हमको भेजे थे। और आपको बता दूं, यहाँ पर मैं कल से या परसों से, आप लोग जैसे कमेंट करेंगे उसके अनुसार, जल्द से जल्द आपको क्लास प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जिसमें हम कवर करेंगे क्या, आपका जो साइंस के पोर्शन रहते हैं, जैसे केमिस्ट्री, आपका फिजिक्स, आपकी बायोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से हम करीबन 200 के समथिंग 600 क्वेश्चन कर लेंगे। आपको पता होगा, आपके एग्जाम में बेसिक साइंस आती है, डीपली नहीं पूछते, अधिकतर यूनिट पूछते हैं, इकाइयाँ पूछते हैं, और आपको जैसे कि पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको फिजिक्स में जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे प्रोवाइड कराऊंगा। केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे प्रोवाइड कराऊंगा। बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे प्रोवाइड करा दूंगा। आप इस चैनल को अभी ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइम से मिले। और आपको क्या, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो दोस्तों, ठीक है, लेते हैं आपसे विदा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।